अगर आप भी खुद का जो है एक म्यूज़िक बोर्ड बनाना चाहते हो तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। तो पहले जो म्यूज़िक बोर्ड का रेपो था उसमें जो है ज़्यादातर जगह पे जो है मेरा नाम था, तो और एक न्यू रेपो लाया हूँ जिसमें जो है आपको मेरा नाम देखने नहीं मिलेगा, मिलेगा बट उतना नहीं, ज़्यादातर जगह पे जो है आप खुद का देख सकते हो, जिसमें आपको ज़्यादा एडिट भी नहीं करना होगा अगर आप चाहते हो कि एडिट करना। आप जब भी प्ले करोगे आपका ही नाम आएगा, आपका बॉट का ही नाम आएगा। तो रेपो आपको मिलेगा इंस्टाग्राम पे, आपको मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा तो आपको रेपो मिल जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी आपको तो साइड में शो कर रहा है, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को सबसे पहले आपको कुछ चीज़ चाहिए, वो तो आपको पता है, API ID, API हैज बॉट टोकन, MongoDB URL। और MongoDB URL अगर आपको बनना नहीं आता तो आप लोग देख सकते हो, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और API ID पे है तो आप निकल ही सकते हो। और अगर MongoDB आप नहीं बनाना चाहते तो जो पब्लिक MongoDB है मेरा, वो आपको ऑलरेडी ऐप जो जैसे में देखने को मिलता है उसको भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा उसको यूज़ मत करो, बिकॉज जो है उससे हैक हो सकता है आपका ID और बॉट। तो आप खुद का ही बनाइए और स्ट्रिंग सेजन आप निकल लेना, वो पायरोगम का चाहिए। और एक लॉग ग्रुप ID बनाना जिससे जो है आपको बॉट को और असिस्टेंट ID को दोनों को ही उधर एडमिन देना है। जैसे जो है ये मेरा लॉग ग्रुप है, तो इसमें जो है आपको बॉट को और असिस्टेंट को एडमिन बना के रखना है ऐसे। उसके बाद आपको इसका जो है ID लेना है जो है सामने हाइफ़न से स्टार्ट होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो API ID, API हैज, बॉट टोकन, लॉग ग्रुप ID, MongoDB, स्ट्रिंग सेजन, सब मैं निकल के रखा हूँ। और आपको आपका जो ID है उसको भी निकल के रखना है, ओनर ID। तो चलिए अब आपको जो है बना के दिखाते हैं। तो मैं ये बॉट बनाऊँगा हीरोकू पे। और एक बात, हीरोकू पे जो है ज़्यादातर टाइम जो है सस्पेंड हो जाता है, तो मैं बोलूँगा कि आप लोग जो है VPS पे ही डिप्लाई करें। और अगर आपको हीरोकू बनाना है फ्री में तो आप लोग जो है हमारे ग्रुप में आ जाना टेलीग्राम, उधर आपको सब मिल जाएगा। तो फटाफट दिखा देता हूँ। तो आप लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको जो है रेपो लिंक दे दूँगा, रेपो आपको इंस्टाग्राम पे ही मिलेगा। पर आप लोगों को जो मैं रेपो दूंगा उसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, उसके बाद आपको नीचे दिख जाएगा डिप्लाई टू हीरोकू वाला बटन, उस पर आप क्लिक कर लेना। और हीरोकू आपको होना ही चाहिए, नहीं तो आपका ये काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप जो है हीरोकू बना लेना, हीरोकू बनाने का वीडियो आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नहीं मिला तो आप लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना, मैं सब कुछ दे दूँगा। और हीरोकू में जो है पैसा लगता है, तो आप लोग वो फ्री में कैसे बनेंगे वो उसका भी वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऐप नेम देना है, तो ऐप नेम पे आप कुछ भी लिख सकते हो, और आपको सब कुछ स्मॉल लेटर में लिख देना है। तो सबसे पहले ऐप नेम देना है, उसके बाद आपको API हैज, तो API हैज आप निकल लेना। API हैज कहाँ से मिलेगा ये तो आपको पता ही है, तो मैं सब कुछ सेव मैसेज में सेव करके रखा हूँ, तो मैं उधर से ही ले लेता हूँ। तो मैं API हैज, API ID सब कुछ पहले से निकल के रखा हूँ। तो सबसे पहले जो है आपको API हैज देना है, उसके बाद आपको API ID देना है। API ID देने के बाद आपको बॉट टोकन देना है, तो बॉट टोकन आपको देना ही है, नहीं तो आपका बॉट जो है वो काम नहीं करेगा। और आपको बॉट को और असिस्टेंट को जो है लॉग ग्रुप ID में पहले से एडमिन बना के रखना होगा। उसके बाद आपको हीरोकू API की और हीरोकू ऐप नेम, ये दोनों आप दे भी सकते हो नहीं दे सकते, ये दोनों देने से आपका जो है बॉट अपडेट हो जाएगा जब आप अपडेट करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। और भार भी देगा, मतलब आप जब जो है गेट वार करते हो ना, तो आपको जो आपका वेरिएबल दे देता है। उसके बाद आपको लॉग ग्रुप ID देना है, तो लॉग ग्रुप ID आपको जो
लॉक ग्रुप है उसमें रोजबॉट को ऐड करना है, उसके बाद आपको स्लैश आईडी करना है तो आपको लॉक ग्रुप आईडी दे देगा जो स्टार्ट होगा हाई पेन से। उसके बाद आपको आपका मोंगो डीबी यूआरएल देना है। तो मोंगो डीबी यूआरएल जो है पहले से रहेगा, बट आप इसको यूज़ मत करना, ये पब्लिक है, अगर कोई चाहता है तो हैक कर सकता है आपका बॉट। उसके बाद आपको बॉट नेम देना है, तो बॉट नेम आप चेंज करना, आपका बॉट का नेम देना है। उसके बाद आपको ओनर आईडी, तो ओनर आईडी पे जो है आप आपका आईडी देना, आप रोजबॉट पे जाना, उसके बाद स्लैश आईडी करना, तो आपका आईडी निकल जाएगा। तो अब आपको जो है स्टिंग सेजन देना है, तो आपको जिसको असिस्टेंट बनाएंगे उसका स्टिंग सेजन देना है जो पायरोगम का होगा, सॉरी ये फिर से चालू हो गया तो मैं इसको जल्दी जल्दी फिल कर देता हूँ। तो आप सब कुछ तो खुद ही निकल सकते हो, इतना तो मुझे पता है, अगर नहीं निकल सकते तो आप लोग जो मुझे कांटेक्ट करना, मैं सिखा दूंगा। उसके बाद आपको लॉग सपोर्ट चैनल और सपोर्ट ग्रुप में जो है मेरा यूज़र नेम काट के आपका यूज़र नेम देना है। तो आपका चैनल और ग्रुप जो है पब्लिक होना चाहिए, आपको t.me/ के बाद आपका यूज़र नेम देना है। आपको पूरा लिंक कॉपी करके इधर पेस्ट करना है, नहीं तो आपका जो है लॉग ग्रुप सॉरी चैनल और ग्रुप नहीं देगा और एरर भी दे देगा। उसके आपको सब कुछ देने के बाद आपको सिंपली डिप्लॉय ऐप पे क्लिक करना है। सिंपल से आपको जो है डिप्लॉय ऐप पे क्लिक करना है। तो मैं मोंगो डीबी चेंज कर दिया बिकॉज जो है मेरा पब्लिक मोंगो डीबी यूज़ नहीं करूँगा। उसके आपको डिप्लॉय ऐप, तो ये ऐप जो है डिप्लॉय होने लगेगा और आपको जो इको सब्सक्राइब करना है, नहीं तो डिप्लॉय नहीं होगा। तो डिप्लॉय होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 4 से 5 मिनट, तो वीडियो को थोड़ा स्किप करूँगा इधर। और एक बार म्यूज़िक बोर्ड जो है आपका स्मूथ चलेगा, एक सेटिंग करना होगा वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट में बने रहिए। तो डिप्लॉय होने के बाद आपको मैनेज ऐप दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इस थ्री लाइन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है इस पेन बेल आइकन पे, उसके बाद इसका जाइनो जो है उसको ऑन कर देना, उसके बाद कॉन्फर्म। अब आपका बॉट जो है चालू हो जाएगा। तो बॉट को थोड़ा स्पीड में मतलब स्मूथ चलाने के लिए आपको क्लिक करना है चेंज डायनो टाइप पे। उसके बाद आपको इको है इसको क्लिक करके आपको प्रोफेशनल करना है, उसके बाद सेव। उसके बाद आपको 1x है उसको 2x करना है, उसके बाद कॉन्फर्म। तो बॉट रन हुआ कि नहीं ये दिखा देता हूँ मैं, देख सकते हो बॉट का मैसेज जो आ गया, तो असिस्टेंट भी स्टार्ट हो गया। तो कितने आसानी से जो है बॉट भी बन गया, तो मैं चालू करके भी दिखा देता हूँ एक बार। तो देख सकते हो कितने आसानी से जो बॉट डिप्लॉय हो गया। तो ऐसे आप लोग जो है एक बॉट डिप्लॉय कर सकते हो।